हेलो एवरीवन, मैम डी यादव और आप देख रहे हैं सूर्योदय सक्सेस पॉइंट। आज के इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे कक्षा 8 का कार्य पत्रक 93। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कक्षा 8 का कार्य पत्रक 93। फर्स्ट है, दिए गए भिन्नों के चित्र निरूपण को मिश्रित भिन्न के रूप में हमें लिखना है। तो हमारे पास पहले तो हम पूरे जो छायांकित भाग है उनको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 कितने हैं? तो 4 है हमारे पास, तो हम लिखेंगे 4। और यहाँ पे देखिए दो पार्ट में इसको डिवाइड है, तो नीचे आएगा 2 और हम यहाँ लिखेंगे 1, क्योंकि 1 पे 6 छायांकित है। तो कुल पार्ट कितने हो जाएंगे? 2 चौक 8, 8 और 1 9, 9 भाग हो गए। 9 पे छायांकित है, इसलिए हमने ये 4 सही, 1/2 हमारी क्या आ गई? भिन्न आ गई। नेक्स्ट है, इसमें 3 तो पूरे ही शेडेड है, तो 3 हम आगे लिखेंगे। अब नेक्स्ट जो लास्ट पार्ट है, 1 2 3, 3 भाग है कुल, तो नीचे 3 और ऊपर 2 पे छायांकित है, तो 2। तो 3 सही 2/3 इसका क्या हो जाएगा? मिश्रित भिन्न हो जाएगी। नेक्स्ट, दिए चित्र प्रदर्शन को अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न के रूप में हमको लिखना है। किस में लिखना है? अनुचित भिन्न और मिश्रित भिन्न के रूप में हमें इसको लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो आप पार्ट काउंट कर लीजिए। तो इसमें छायांकित भाग को हमें काउंट करना होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कितने हो गए? 4 4 8, 8 और 3, 8 और 3 कितने हो जाएंगे? 11। और एक ही भाग कितने हैं? 4, तो 11/4। नेक्स्ट, इसको मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो 2 सही 3/4। नेक्स्ट आपका है कुल टोटल छायांकित भाग क्या कितने हैं इसमें? तो इसमें है 7 और 7/2। अच्छा, इसका रूप होगा 3 सही 1/2। नेक्स्ट, दी गई अनुचित भिन्न को मिश्रित भिन्न में परिवर्तन करें। अनुचित को मिश्रित भिन्न में हमें परिवर्तित करना है। सबसे पहले 28/5 है, इसको मिश्रित बदलना है, तो 5 में 25 बचेगा 3, तो 3/5, 5 3 5, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 1 बचेगा 1/4। 2 से करेंगे, 2 3 6, 2 7 14, 1/2। नेक्स्ट है, 4 दिए गए मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में परिवर्तित करें। मिश्रित भिन्न को अनुचित में, तो 5 8 40, 40 और 2 42/5, 5 6 72, 72 में 5 आप जोड़ेंगे 77/6, 15 2 30, 15 2 30, 30 और 1 31/2। दिए गए मिश्रित भिन्न को रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। तो 3 है, तो सबसे पहला 1, तो हम यहाँ से करेंगे जैसे 1/2, हम ले लेंगे 1, ये हो गया हमारा। 2 हमने यहाँ पे लिया और यहाँ पे हमने लिया 3, तो 3 तो पूरा हो गया। अब यहाँ पे हमारा 4 है और इसके बीच में हमें भाग करना है, तो 1/4, 2/4, 1/4, 2/4 और 3/4। तो ये जो आंसर होगा हमारा, ये होगा 3 सही 1/4। नेक्स्ट है, 10 सही 5/8 है। तो हमें सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इसको 10 भाग में बांटना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, आगे हम लेंगे 11 और 5/8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 5 पे लेना है, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 10 सही 5/8। नेक्स्ट, नीचे दिए गए भिन्नों के तुल्य भिन्न लिखिए। तुल्य भिन्न का, तो 2 2 4, 3 2 6, 5 2 10, 2 7 14, 2 1 2, 2 3 6। नेक्स्ट में हमें चिन्ह का यूज करना है, तो 2 5 10, 15 1 15, तो 1/2 इसमें से बड़ी होगी। 15 को 15 से करेंगे 225, 4 को 4 से करेंगे 16, तो 15 को 15 इधर से, तो बड़ी है 15/4। नेक्स्ट है 11/7 और 15/7, तो इसमें से 15/7 बड़ी है। 35/6 और 40/6, तो 40/6 क्या होगी? इसमें से बड़ी भिन्न है,